पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हां दोस्तों, आप लोग कहते हैं कि पत्नी दहेज केस कर सकती है, लेकिन पति भी दहेज केस कर सकता है। जी हां दोस्तों, शायद ये YouTube का पहला वीडियो होगा, आपको मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों, आप लोग कहते रहते हो कि सर मेरी पत्नी मुझे धमकियाँ देती है, उसके घर वाले धमकियाँ देते हैं फंसाने के वगैरह, आप भी फंसा सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो रहेगा ये, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि मान लीजिए आपकी पत्नी आपके साथ रहना ही नहीं है, इंटरेस्टेड है ही नहीं, बार बार घर पे जा रही है, ठीक है, अपने घर वालों को एंट्री कर रही है। अभी एक और लेटेस्टिंग जजमेंट आया था कि घर वाले बेदखल करते, बिना वजह से एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। रिमोट होता है ना कि बेटी का घर माई की तरफ से रिमोट चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, इसमें गाइडलाइन पहले ही क्लियर कर दिया आपकी, अगर कोई भी इंटरफेयर करेगा तो उसमें तलाक दे सकते हो आप, ग्राउंड बन जाता है आपके पास। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसे 498 के एंट्री की धमकी देती, जैसे कि मेरे पिता ने तेरे को 5 लाख दिया, 2 लाख दिया, 4 लाख दिया, इस तरह की धमकियां, क्रिमिनल टाइप की धमकियां देती है, जो कि शादी में आपकी शादी हुई थी उस टाइम पे। अगर आपकी पत्नी इसे कहती है कि भाई मेरे पिता ने तेरे को 2 लाख दिया था, तेरे को कभी फंसा दूंगी मैं, मेरे पिता ने 5 लाख दिया था, कभी फंसा दूंगी मैं, इस तरह की जो क्रिमिनल धमकियां होती है, तो इसमें आपको उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपका मैं सॉल्यूशन लेके आ गया, आपको कभी डरना नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 1961 की धारा 3 होती है ना, हिंदू मैरिज एक्ट की, 1961 की धारा 3 होती है, जाके रीड करना आप अच्छे से, वो आपको पूरी क्लियरली समझ आ जाएगा कि भाई दहेज देना और लेना दोनों क्राइम होता है, उसमें पूरी बताया गया है। और जो पहले करेगा वो जीतेगा, सीधी सड़ बात है भाई, जो पहले करेगा वो जीतेगा। आप लोग पहले क्रिमिनल टाइप की धमकियाँ सेक्शन 9 वगैरह वगैरह करो क्यों रहे हो, आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसे केस, आप डायरेक्टली उसमें जाए ना, 1961 की धारा 3 में डायरेक्ट केस डालिए ना उन पर। दहेज का केस अपनी पत्नी पे कीजिए आप, कि भाई उसने पत्नी जो शादी में पैसा दिया जाता है ना, वो दान होता है, वो कभी दहेज में नहीं आता है, दहेज की कैटेगरी में वो काउंट नहीं होता है कभी भी, ठीक है। और वो कभी कितना ही हो सकता है, हाँ शादी में जो गिफ्ट होते हैं जेवर वगैरह होते हैं, वो वाइफ का स्त्री धन होता है, ठीक है, वो 406 IPC अलग से लगती है। आपने देखा होगा कि जब भी आपको 498 केस लगता है तो 406 लगता है स्त्री धन का, तो वो एक अलग से गिफ्टेड हो गए। लेकिन जो केस अमाउंट होता है, जैसे 51 लाख, 50 हज़ार, कितने भी जो भी आपके अकॉर्डिंग कैपेसिटी, जिसकी शादी जैसा कर रहा है और उसकी धमकी दे रही है आपकी पत्नी बार बार, तो आप 1961 की धारा 3 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दीजिए। अगर साबित हो गया आपके पास ऑडियो वीडियो और उसने कोई भी हाँ करती, देखो फैमिली केसेज में क्या होता है आज की डेट पे, विटनेस कौन होते हैं, मैं आपको और एक क्लियरली बात करता हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन ही विटनेस आपका सबसे बड़ा आज की डेट पे, ये स्मार्टफोन है ना, इसका ही कमाल है, आज की रिश्ते खराब करने का फ़ोन का ही कमाल है पूरा। जितने फैमिली केसेज होते हैं उसमें ये कोई ऑडियो कोई वीडियो कोई किसका क्या क्लिप बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, सब और स्मार्ट बन रहे हैं रिश्तों, मतलब रिश्तों की कीमत फ़ोन से ज़्यादा नहीं रही आजकल, फ़ोन की ज़्यादा कीमत हो चुकी है, तो फ़ोन ही आपके ग्राउंड बनते हैं। तो आपको फिर अब आप लोग कहते हैं कि सर मुझे मेरी वाइफ धमकी दे रही है, ऐसे कर रही है, मेरे पिता ऐसे फंसाए, मैंने 2000 दिए, 5000, 50000 कभी मेरे अकाउंट में डाली थी, ऐसे ऐसे, तो उसकी धमकियाँ देती है। यार धमकियाँ से क्यों डर रहे हो आप लोग, कब तक डरोगे। एक कहावत होती है ना कि डर गए तो मर गए, भैया डरना नहीं है, अब लड़ना सीख लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फंडा यही है, डायरेक्टली आपको 1961 की धारा 3 में जाइए, डायरेक्टली महिला पे कीजिए, फाइनली डायरेक्ट दहेज केस कीजिए। अगर साबित हो जाता तो 5 साल की सजा, 15,000 का जुर्माना, जेल जाएगी डायरेक्टली, पूरी परिवार जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग ये करते हैं यार मुझे क्रिमिनल टाइप धमकी दे रही है, मेरी पत्नी ऐसे कर रही है, दहेज में फंसा दूंगी वगैरह, आप लोग क्यों घबरा रही है, आपको तो वो मौका दे रही है ना, आपको तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो बड़ी अच्छा मौका दे रही है, बस थोड़ा स्मार्ट दिमाग होमवर्क करना सीख लीजिए आप। 498 केस ऐसा कोई बड़ा केस नहीं होता है, ये हरासमेंट करने के लिए केस होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, झूठे होते हैं, ठीक है ना। 498 केस 98, अरे ये मैं नहीं कहता कि झूठे, 98% आप लोग देखिए आंकड़े, 2019 के आंकड़े देखोगे तो 98% झूठे केस मायने रखते हैं भैया, और 95% रेप के केस मायने रखते हैं, मतलब कितना कानून अंधा हो चुका है, इतना आइडियल आप खुद भी लगा सकते हो, फिर भी कोई संशोधन नहीं हो रहा, फिर क्या करोगे। पति लोगों के साथ तो मर्दों के साथ तो अन्य अत्याचार हो रहा है, क्योंकि अबला नारी है, तबला कभी भी बजाती रहती है, तो इससे बेटर है भैया एक्टिव हो जाइए, अपने आप पे होमवर्क करना सीख लीजिए, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है आपके पास। और आप लोग सेक्शन उस पर 498 केस कीजिए, आप खुद कीजिए, अगर आपको डायरेक्टली क्रिमिनल टाइप की धमकियाँ नहीं देते और कोई क्रिमिनल केस मत कीजिए, आप लोगों को अगर इसे पैसे कोई धमकी देती आप डायरेक्टली 1961 की धारा 3 में कीजिए डायरेक्टली जाके, कैसे नहीं होगी सजा,
तो आप लोग डरते क्यों? आप लोग जैसे कोई पत्नी उसके घर वाले कुछ भी बोल दिया आप लोग डर जाते हो मेरे पे ये कर दे भैया। 498 केस को वो नहीं है कि आपको फांसी लग गई भैया, आरोप कोई भी लगा सकता है, ठीक है ना। साबित करना उसी को आता है और साबित हर किसी को नहीं कर पाता। 498 केस को हर कोई आसानी से साबित नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो आप लोगों को डरना नहीं है। जब आपके साथ ऐसी क्रूरिटी हो रही है और आपको ऐसा कहती है कि भाई देखो लेन देन सब जगह होती है, ऐसी नहीं है हर रिश्तेदारी में लेन देन सब होती है, और उसको अगर डोरी का नाम दे दिए, मान लीजिए दान आपने किया, बेटी आपने शादी की, आपकी बेटी की शादी आपने किया, और उसको आप लोग फिर डोरी में काउंट कर रही हो कि यार मैंने तो इतना पैसा दिया था शादी में, क्यों भाई तूने तेरी ऐसे से दिया ना भाई, भाई तूने रिश्ता देखा लड़के वाले को दिया तो तू तेरी मर्जी से दिया ना, उसने मांगा थोड़ी है तुझसे, और मांगा था तो तू क्राइम था, तेरे को शादी क्यों करना था वहाँ पे भाई, जरूरी जगह है उस घर में आपकी शादी करना था, नहीं था ना। तो क्राइम तो आप खुद ने किया ना, पहले तो दे देते हो, ठीक है, पहले तो कीमत खुद लगा देंगे लड़की वाले और बाद में नोटिंग की दिखाएंगे पूरी। तो इससे बेटर है भैया ऑप्शन है, वह दान होता है कभी भी इंक्लूड डोरी में नहीं आता है, जो भी शादी का पैसा होता है क्लियरली आपको मैं कहीं बार वीडियो बोल दिया हूँ कि भाई शादी में जितना भी पैसा होता है दान होता है, गिफ्टेड ओनली जो जेवर होता है वो महिला के होते हैं। अदरवाइज अगर वो आपको बार बार इस तरह की धमकियाँ दे रही है कि मेरे पिता ने 5 लाख दिया, 2 लाख दिया, 10 लाख दिया, तो डायरेक्टली दहेज केस ठोकी आप भी, सीधा सट ऑप्शन है भैया, फ़ायदा नहीं है। आप लोग कब तक हरासमेंट होते रहोगे भैया, नहीं कब तक हरासमेंट होते रहोगे ना, क्योंकि कानून तो अब सुनने वाला है नहीं, संशोधन कुछ हो नहीं रहा इसमें। तो इससे बेस्ट है ना कि आप खुद होमवर्क करना सीख लीजिए, खुद सीख लीजिए, लोग के भरे से चलिए, संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान में बहुत कुछ हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं सबका मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, सोल्यूशन पूरी डिटेल में मैंने समझा दिया आपको, छोटी से छोटी बारीकी सी, डरना नहीं है, सीधी सट बात है, अब डरना नहीं है, अब लड़ना है। कॉम्प्रोमाइज़ करने आप जाते हैं 2 लाख दे दो 5 लाख क्यों दे रहे हो भैया, संविधान में कोई ऐसी सेक्शन ही नहीं है कि आप लोग पत्नी को पैसा दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ पैसा दे के दीजिए, कोई है ही नहीं, कहीं नहीं है। फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं मेरी पत्नी 10 लाख 20 लाख मांग रही, कहाँ से मांग रही भैया, क्यों दे रहे हो आप लोग, बेकूफ़ी तो आपकी है ना, क्योंकि नॉलेज की कमी आप लोगों में, इस वजह से आपकी पत्नियाँ जो वकील लोग होते आपको डरा धमकिया जाती। होमवर्क करिए यार, आप लोग एजुकेटेड पर्सन हो, जब आप कहते हैं बीटेक एमबीए बीएससी अच्छी अच्छी एजुकेशन आप कर रखे हो, आप लो नहीं पढ़ सकते हो भैया, संविधान अपना प्राथमिकता है उसको पढ़िए थोड़ा सा, उसमें टाइम वेस्ट कीजिए आप लोग थोड़ा सा, फालतू टिकटॉक वगैरह में जा रहे हो ना आप लोग, तो थोड़ा होमवर्क कीजिए उन पर। आपका संविधान आपको आज़ादी देता है, आपको बोलने का हक देता है हर जगह, तो उसको पढ़िए ना वहाँ। अगर आप पर डे टाइमिंग पे मैं कह रहा हूँ 5 या 10 मिनट में अपने संविधान को पढ़ोगे ना, तो आप अपने लीगली राइट संभल लोगे पूरी, फिर आपको कोई डरा नहीं सकता है ना, फिर आप कह सकते हो आजा मैडम मैदान में देखते हैं तेरे को अच्छे से। तो संविधान पढ़ना सीखिए आप लोग, डरिए मत किसी से भी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 अपन को आज़ादी देता है, बिल्कुल फ्रीडम अपन लोग, बस संविधान से डरिए, उसके खिलाफ मत जाइए और किसी से मत डरिए, सीधा सट फंडा आइए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।